सुना वाले भैया लोग, ओ हमारे बड़े भैया बेचू यादव, बड़े भैया श्याम जो प्रजापति की देखरेख में आप लोगों के बीच में हम भेजता नहीं, हमें आशा व पूर्ण विश्वास बा की कैसेट बिरहा आप लोगों के बेहद पसंद आई। ये बिरहा के गायक हम रमेश चंद्र यादव चिरैया कोटमऊ व साथियों की आवाज में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चार लाइन भूमिका में कहना है। अरे भाई कौन कारण कहां कब से पैदा भैली, के समय अस्थि माला सती के हसलाबा। हसल बाई का है कब भोला के घर में, विश्वनाथ बाबा के मूर्ति धसलाबा। धसल बा कब का है न मिलता करनवा, अरे काशी नगरिया कब का है ललि बाप। हिलल बा मृत्युंजय की धरती पुनीता, तो काशी भुआला के सपना मिलल बाम। एक बार की बात है, राजा काशी नरेश अपने राजमहल में राजभवन में सोए हैं। अर्धरात्रि में एकाएक स्वप्न देखते हैं, काशी क्यों करवट हो गई, बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा क्यों धस गई, बाबा भोलेनाथ के गले में माता पार्वती के 107 मुड़ी खोपड़ी कमाला कब हसल काहे बदे हसल। बेचैन हो गया राजा, सुबेरा हुआ राजा कैलन का मास्टर एक लाइन गीत बा। कौनो आशिक अपने मासुका से कह रहल बाम के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। काशी नरेश का हालात का भैले भैया सवेरा भैल बाम, तू सपना नरेश काशी को तूफान कर दिया। अरे काशी के विप्रों को सुबह नरेश बुला करे, मांगे जवाब ब्राह्मणों से प्रश्न सुना करे, कहे कपाट अपने ज्ञान का तो खोल लीजिए। अरे झटपट मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कहे उत्तर सही हुआ तो पुरस्कार मिलेगा, कहे वरना सभी के गर्दन पे तलवार चलेगा। यह सुन के सोमदत्त जी का जे कांप गए जिया, एक माह की मोहलत एक बार में लिया। यो सुबेरा हुआ
बैठ गए राजा काशी नरेश सिंहासन पे, प्रकांड विद्वानों की टोली बैठ गई राजमहल में। आदेश किया काशी नरेश, काशी क्यों करवट हुई, क्यों बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा धसी, 107 खुपड़ी कमालाम और भंगी भोलेनाथ के गरे में काहे बदे हसल। अगर मेरे सवाल का उचित जवाब मिल जाएगा मुँह मांगा पुरस्कार दूंगा, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तलवार से उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। कांप जाती है विद्वानों की टोली। ए भैया, जो उन मुख्य पीठ के विद्वान हो, सबसे मेन हेड जो उन पुरोहित हो, पंडित सोमदत्त पाड़े कपते उठले कहले सरकार एक महीना का मौका देहल जा। राजा कहलन जा एक महीना का मौका हो। पंडित जी विद्वानन के लेके निकलें। अजय पंडित सोमदत्त पाड़े राजमहल से बाहर भैलन, सारे के सारे विद्वान मारे जाएंगे, परिवार समेत मार देहल जाइन, तो सब मुंह पिटाओ, कम से कम अपन जान बचाई, जान बचाव के उपाय सोचत हूं का। गीत बाम धनंजय भैया, ये कोनो मेहरारू को मरद दरवाजा की बजाय खिड़की से झांकत रहल, चढ़ल जवानी में ओके बड़ी तकलीफ बा, वो दुल्हीन अपन तकलीफ रोवत है, कहत है का कल मन कर सिलावट पे लोढ़ा से, मन कर सिलावट पे लोढ़ा से पूछती जवानी राजाऊ, मन कर सिलावट पे लोढ़ा से पूछती जवानी राजाऊ, हो कौन सावत संग काका तारचानी लगा के मच्छरदानी रजऊ, एक बात और कहले रहल, सोला हो सिंगार हमार प्यार बिना तार से कगरी कटा के काहे चल जाता घर से, सोला हो सिंगार हमार प्यार बिना तारा से कगरी कटा के कहे चल जाता घर से, मिलत नहीं के खीरा मीरस सजिया पे पाच कहता नहीं राजाऊ, मिलत नहीं के खीरा सास कहता नहीं राजाऊ, हो कौन सावत संग काटा तरसानी लगा के मच्छरदानी राजाऊ, इत गीत रहल लेकिन बिरहा के भाव बा सोमदत्त पंडित जी सोचत हुन का सोचलन, सुन के लनवा राजा जी के, सुन के लनवा राजा जी के दशरथ समाई जियारा, सुन के लनवा राजा जी
बीतल बाते चौबीस दिन करिए नहीं कोई फेरा जनवा बाते चौबीस दिन करिए मनाही कोई फेर जनावा शरीर कैके मनावा में जुगति समय हो जाइबे विप्रम के संग में मराई गायल बाई थराई मनावा ए बिरा सुना वाले भैया लोग सोमदत्त पाड़े एक महीना का मौका लेके अइलन धीरे धीरे चौबीस दिन बीत गए छह दिन बाकी है सोच गेलन कि राजा के सवाल का जवाब न मिली अब तो जिंदगी दे वही के हम रही के हम तो जब मरही के तो राजा के तलवरिया से न मर के काहे न गंगा में अपने शरीर का शुद्धिकरण कह के गंगा जी में ही जल समाधि लेके हम अपना अगला जन्म बना लें यह सोच के सोमदत्त पंडित जी घर से चलन गंगा मैया के घाट की ओर तब गीत बदल गए कवन गीत बा घनश्याम भैया गंगा जी के घाट के बाद बता गंगा तिरवाही के गीत भी लग गई ननद भौजाई दूठे गंगा के तिरवाही बालू की रेती में ही से कह थी का कहलिन बोवली मोखी रवार वही नादी तिरवा जिरवा ना नादी रे जिरवा ना नादी रे खीरवा गोर दिनवा जिरवा गंगा में अपनी जिंदगी गंवाना चाहता है धन हो गंगा माई गौ रूप में प्रकट हो गई लिन अब में तब में इतना अंतर है जय हिंद भैया कि वो जमाने का मनुष्य पशु पक्षी का भाषा जाने गौ रूप में गंगा माई सोमदत्त पांडे जी से पूछे थे का पूछलिन है पूछली कराना वा गंगा माई आसमानवा जनवा देव आइला हो बेटा काहे दा बताया जनवा गौ रूपी गंगा जी से कह कुली बतिया रामा ता
गंगा जुगति बतवली न गंगा माई वही बखतिया रामा जिंदगी देना चाहता है। सोमदत्त पंडित कांपते का खड़ा भइलन, हाथ जोड़ के गंगा माई से कहलन कि माई राजा हमारा ऐसा ऐलान कैले हुन, यह सवाल बाम राजा हमार गर्दनिया काट दी हन, कली बतनी बुट के बात बदे। अरे कायर मरल बेटा, तुम इंसान हो विद्वान हो, रविवार के दिन गंगा किनारे गोला घाट पे चले जाना, तुम्हारे सवाल का उचित जवाब तुम्हें मिल जाएगा। जब गोला घाट पर जाइबा एक जर्जर कोढ़ी मिली, जो उन्हें के शरीर से जर्जर जर्जर मवाद चलत रही। घिनैया मत, झुआ भर मक्खी ओकरे ऊपर रही हन, घीड़ा मत करना बेटा। प्रणाम करके शिष्टाचार निभाते हुए अपने सवाल को पूछना, तेरे सवाल का जवाब बता देगा। रविवार के दिन सोमदत्त पांडे जब गोला घाट पर पहुंचलन मास्टर, तो गीत बदल गए, कौन गीत बा? ऐसा पर्दा लगा ला कोमल में। के तरे नरिया रवा के बारी आओ पर श्याम गेंदा लगाई दा। बिहार आई यूपी के बॉर्डर पर के मेहरारू गावेली का गावेलिन, के कमर पे हाथ ना लगाना, अरे कमर पे हाथ ना लगाना, बलम मजा धीरे से लेना। अब पंडित जी गैलन है गोला घाट पर, जब उस कोढ़ी के दखलन जाके प्रणाम कैलन, धाई के चरण पूछे गनिया, अरे धाई के चरण पूछे गनिया, कोढ़ी तब बोलल बा बचनिया। बैठा वही पजा के रात के पैबा जवाब सबा सनिया, और पैबा जवाब सब सनिया, कोढ़ी तब बोलल बाबा जनिया। जोने के आज आप लोग नवीन पहाड़िया मंडी के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहाड़िया मंडी है वाराणसी की। कभी वह पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी के नाम से जाना जाता था। वो पंडित जी बतौलन पहाड़ी की वादियों में एक बरगद की गाछ है बेटा, अर्धरात्रि की बेरा में उस बरगद की गाछ के नीचे जाकर बैठ जाना, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। पंडित जी जब वही पहाड़ी के बीच में बरगद के गाछ के नीचे बैठलन है, रात में 1 बजल है, तराती का वातावरण ऐसा होला हो भैया, पेड़ से पत्ता गिरेला तो आहट मिल जाले। एक छोर पर पंडित जी हाँ बहुत विशाल बरगद का पेड़ है, दूसरी छोर से आवाज आई, कहा आवाज आई मास्टर? के निशा में सियारी निकहे आ वही सियारा से आके, अमानुष के मास दाखिया, पंडित जी बैठल हुन
तबले एक ठे सियार एक ठे सियारिन बरगदवा के गांच के नीचे एक बजे रात के बेरा में पहुंच गयलन। सियरिनिया गर्भिणी है, सियरिनिया के पेट में बच्चा बा। अपने सियार पति से कहलस कि स्वामी हमारा आदमी का मांस खाए के मन करत है, बहुत लालसा लागल बा। सियरा कहला अच्छा सुन, जब त संगे होबी तब तो रुच पटांगे काम में रही। हाँ तो के मनुष्य के मांस से आई तो के साधारण मनई के मांस न खिया, इतनी सबर कर, चार पांच दिन का टाइम है। का बतौलस के पांच सहस्त्र विप्र यही काशी में मरई। अजाई मन के मनसा पूरा, सियरा कहलस की सुन तने पांच छह दिन रहम कर, तो के साधारण मनाई का मांस ना खियाई। राजा काशी नरेश सहस्त्रों ब्राह्मणों की बलि चढ़ाने वाले हैं, वही विद्वानन का मांस तो के खियाई। तब तो सियरिनिया उमेश भैया दू गोड़ पर खड़ा हो गई। कहलस की ए स्वामी, ए राजा जी, आखिर राजा काहे विद्वानन के बलि चढ़ी हैं? हम बताइए ला घनश्याम भैया जी, उन्हें मर्दे के मेहरारू कमजोर नस पाए गई, वो मर्दे के जिंदगी खराब है। सियारिन दुइया गोड़ पर खड़ा हो जाती है, ना ही बतावा कौने भाव में मास्टर तनी पट्ठे इलाहाबादी ठका लगे। के जानी जानी बतावा मऊ जानी हो पिया, बतावा मऊ जानी हो पिया। काहे मारल जई है काशी के कुल ज्ञानी, बतावा मऊ जानी ये पिया। आखिर राजा काशी नरेश इतना बड़ा अनर्थ काहे करी है स्वामी, कारण का बा। कहला सियरा की बुजरी तीन ठे सवाल कैले हम काशी नरेश, एको बता ना पोले हूँ, चलिए पांच दिन का टाइम है, सबके गर्दन से धड़ अलगाव वाला हूँ। कहला तो स्वामी बतावा आखिर कौन सवाल ऐसा बा। सियारिन मजबूर कैले सियार बताओ थे कैसे लाल ये तू है बाम। अरे जवन मजा के जवन मजा राम के भजनिया, वो सारी दुनिया में नाही। जवन मजा राम के भजनिया, जवन मजा अपने दुलाहिनिया, जवन मजा अपने दुलाहिनिया, वो का सभी निया में नाही। ए भैया सियार बतावे लगलन, सुना मुर्सियार इंदुलहिनिया, खुलला सियार कुल कहानिया, सुना मुर्सियार इंदुलहिनिया, खुलला सियार कुल कहानिया, सुना मुर्सियार इंदुलहिनिया।
सियार सियारिन से बतावत बाम कवन कारण रहल कि खोपड़ी कमाला हसल घोड़ी बनली संज्ञा सूर्या देव के जननवा भगवान विश्वकर्मा के बिटिया संज्ञा के शादी सूर्य भगवान के संगे भइल। सूर्य में इतना तेज रहल भगवान सूर्य जब शयन सुहाग कक्ष में गइलन हे सियारिन इतना गर्मी रह इतना तेज रहल कि संज्ञा बर्दाश्त ना कर पौलस अपने बाबू विश्वकर्मा भगवान के बुला के कई बार उलहना देलिन खराद पर चढ़ाई के सूर्य भगवान के भगवान विश्वकर्मा खराद भी देलन तब भी सूर्य का तेज कम नहीं हुआ मजबूर हो गई ली संज्ञा घरवा छोड़ के जंगल में जाके घोड़ी बन के समय बितावे लगलिन सियरा कहलस की ए सियारिन एक दिन सूर्य भगवान के काम वासना जगल है जब ध्यान में होके संज्ञा के देखे लगलन तो संज्ञा महल में बटली नहीं बाड़ी कहाँ दिखाई दलिन जंगल में घोड़ी बनली संज्ञा भगवान सूर्य चल दिए जंगल की ओर जाके घोड़ा बन गईलन 12 बजे दोपहरी में संभोग कैलन बाबा भोलेनाथ के गरे का 107 मुंड की माला खोपड़िया ठठाई के हसल बाह बारे दुनिया के प्रकाश देव वाला भगवान सूर्य दिन का संभोग तो निशाचरों के लिए बना है आप स्वतः दुनिया को उजाला करने वाले अंधकार की दिशा में क्यों जा रहे हैं यह कारण रहले सियारिन और मुड़िया के हंसले के सोमदत्त पंडित जी बैठ के बरगद के गाछ के नीचे सुनत हूँ काशी काहे करवट भइल काहे ये सोनाथ के प्रतिमा धसल उस सियार सियारिन से बतावत बा राजा नागपाल कई सुख मित्र जनल दोनों बतियावत हों के हमार काशी नरेज राजा नागपाल इतना बढ़िया हुआ इनके शासन काल में काशी के मनुष्य केवन चलावे जीव जंतु भी बहुत खुशहाल हों गिदवा कलस की एक गिदनी बजर का पहाड़ काशी पर तहिया टूटी जहिया काशी नरेश आपन गवन कराओ बदे जहन जेवना समय राजा काशी नरेश अपने दुल्हन के गवना करा के लेके अहन ओ समय राजा काशी नरेश के ऊपर काशी का मुख्य गेटवे टूट के गिर जाई अगर उसे बच जाई है राजा तो जो उन्हें हथिया पर राजा बैठ के जाई है वो हथिया पटक के राजा के मुआ दे कहीं उसे भी बच गई लन राजा अपनी रानी के साथ सुहाग कक्ष में होंगे वही समय नागिन आई डस ले या राजा ए बतिया के हृदय का मित्र जात का मुसलमान जिसका इतिहास में नाम मिला यीशु पठान पशु पक्षी की भाषा जानता था रास्ते से जात रहलन यीशु पठान सुन लिया ए बिरहा सुनने वाले भैया लोग चचा लोग दादा लोग अब तो वो दिन आ गयल जहिया काशी नरेश अपने दुल्हन के गौना आना बदे चलल हूँ भाव लगल पहपट के कैसे लाल तो इतना सुनता यीशु फगुना मनावा
खतरे में हाय अगर बताइबा हो जाइबे पसनावा जनावा खतरे में यीशु पठान मन में सोच रहा है मेरा मित्र अपनी दुल्हन का गमन लेकर चलेगा काशी का मुख्य गेट टूट कर गिर जाएगा। ज्यो ही राजा दुल्हन रानी के विदा कराए के लेके चले कैलन जाके हृदय के मित्र राजा नागपाल सिंह के सामने वह जात का मुसलमान सच्चा मुसलमान यीशु पठान खड़ा हो गया। कहा अरे मित्र आज तेरी जिंदगी की दूसरी रात की शुरुआत होगी, क्या इस खुशी पे मुझे कुछ देगा नहीं। हंसते हुए राजा काशी नरेश नागपाल कहे बोल बोल मित्र बोल तुझे क्या चाहिए। ये जिंदगी भी मांगेगा तो मैं तुम्हारे लिए समर्पण कर दूंगा, कलह जिंदगी ना चाहिए। राजशाही सवारी तुहार हाथी है, हम तुहार दो सहीला, एहर से हथिया पे बैठा के हमके लिया चला। कहा बस छोटी सी बात के लिए, बैठ जा तू हाथी पे। मैं बैठ जाता हूँ घोड़ा पे। यीशु पठान हाथी पे बैठ के चल धलस कैलस का के तोरा बाया जागे तेरा छाकर नवा जनवा खतरे में आवा धीरा तको नागिन करे तूफानवा जनवा खतरे में। राजा नागपाल रानी का डोला लेके पिछवा हुवन तबले पहला यीशु पठान चल दिया आ गया काशी में आकर के काशी का जो मुख्य गेट था तोड़वा देता है यीशु। यीशु के आदेश का मतलब कि राजा का आदेश है, गेट टूट गया, हाथी वाला खतरा टाल देलस, गेट वाला खतरा टाल देलस। बारे मित्र एक मित्र एक मित्र के लिए दुनिया के किसी भी मुसीबत से गुजरने के लिए तैयार है। आजाद का मुसलमान था, अपने मुसलम ईमान का पक्का था, सच्चा मुसलमान था। रानी का डोला आ गया राजमहल में, चारी ओर लड्डू बतासा पकौड़ी छिटात बा खचात बा। लेकिन यूसुफ के दिमाग में एक के बात है, एक लाइन कवि जी दोस्ती के ऊपर लिखलन कैसे लाल एक पर्दा बढ़ला के दोस्ती को निभाना कोई सीखे वही यूसुफ से भैया। दोस्ती करम बाजी पर लगाई दियाला जाना, घुस के वही महल के दरम्याना छप्पनों प्रकार के भोजन काशी के नगरी में चलत बा। केहू नाच गाना में मस्त बा, केहू बिरहा में मस्त बा। लेकिन यीशु पठान के दिमाग में मात्र एक खतरा भी बार बार चोट कर रहा है, मेरा मित्र सुहाग रात मनाने जाएगा नागन। जैसे कि आकाशवाणी हुई है, नागन डस लेगी, मेरा मित्र मर जाएगा। आखिर कैसे अपने मित्र का प्राण बचाऊं? कैलस का वो यीशु पठान बाबू लेते गए सुहाग वाली पालंगा के नीचवा भैया। राजा रानी गई ले जब सोहाग के कोठरिया भैया।
के नीचे लेट गया। जिस पलंग पे राजा के सुहाग रात का इंतजाम है, तमाम फूलों से राजा की सेज सजी है, राजा के सिवा किसी को जाने का आदेश नहीं है। लेकिन यीशु पठान हो भैया, संजवे का मौका देख के कोठरिया में घुस गए, पलंगिया के नीचे वहां लेट गए, लेट जाता है पलंग के नीचे, खींच लेता है म्यान से चमचमाती हुई तलवार। देखा राजा महाराजा का सुहाग रात भी धनंजय भैया मन ले तो कर साहिद सुदेव सोला। पंडित जी पतरा देख के बतावेलन कि 12:56 पर राजा के अंदर घुस जाए के चाहिए। राजा जब पहुंचल हमन, रानी राजा का वार्ता होत बा, रानी सहलावत ही राजा के सर के पैर के, कुछ सवाल जवाब हुआ राजा रानी का। इतने में राजा रानी दोनों जना के नींद लगल, और जब नींद लगल तब तक नागन फुफकारते हुए चली आ रही है। देख लेता है हृदय का मित्र, जब यीशुब दखलस तकैलस का के काटी दहल नागिन के चाला के तलवरिया भैया, नागिन रेंगते हुए फनकार करके फुफकारते हुए राजा के सेज के नजदीक गई, डंक मारना चाहती है, चला देता है तलवार, चला दिया तलवार, इस पठान दो टुकड़े में विभाजित हो जाती है नागन, छटपटाए लगल हो भैया। तबले नगिनिया के शरीरिया का एक बूंद खुनवा राजा के गलवा पर पड़ गई। राजा का वह मित्र यीशु पठान सोचने लगा, हो ना हो मेरे राजा नागपाल सिंह लेटे हुए हैं, सोए हैं, पसीना होगा, पसीना के सहारे वो खुनवा बहुत हमारे राजा के मुहा में चल जाई, हमारे राजा के शरीरिया में विष फैल जाई, राजा हमार मर जाए। आखिर खुनवा पोछी कैसे, क्योंकि राजा की सुहागरात है, राजा के सिवा दूसरा किसी को आने का आदेश नहीं है। मेरा मित्र जान जाएगा, मुझे अपमानित होना पड़ेगा। वही तलवरिया के नुकवे से सोचलस कि खुनवा उठा ले। राजा सुतल हुआ, ज्यों ही उस तलवार से राजा के शरीर से स्पर्श हुआ, गाल का खून उठाना चाहता है बूंद काम, त्यों ही राजा की नींद खुल गई, खुल जाती है राजा की आंख, चमचमाती हुई तलवार देखा राजा, उठ गया शयन कक्ष से। रानी भी जाग गई, जब राजा फर्श पर भैलन तो देखत बने के दू टुकड़ा में नागिन कटी हुई तड़फड़ा रही है, चमचमाती हुई तलवार दिखाई दी। जब झांक के पलंग के नीचे देखत हमन, सोच गए राजा कि है तो जात का मुसलमान ही ना, असर अपना दिखा दिया, यह नागन हमारी सुरक्षा में आई, नागन को भी काट दिया, मेरे कोठरी में घात लगा करके बैठा था, राजा अकेला होगा, ना ही कोई सेनापति होगा ना सैनिक होगा, राजा की गर्दन को काट दूंगा, राजा के मार के राजा के दुल्हन के अपना ले। उल्टा बतिया हो गई हो बाबू, यूसुफ पठान सुहाग वाली पलंग से बाहर निकला, ताना ऐसन राजा मारत हो के शरीरिया कलेजवा के छेद के देत हो, मजबूर हो गया राजा, आवाज दिया आखिरी भाव, वो प्यारा मितावा है तू जात का मुसलमान, तुझे मैं हृदय से बढ़ के मानता था, अपनों से बढ़ के मानता था यूसुफ, लेकिन तू तो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का निकला रे। टुकुर टुकुर सुना था हो भैया, वह यूसुफ पठान खड़ा होके
मजबूर हो गया। चूंकि यूसुफ जानता था कि इस बात को जो राजा से बताएगा स्वतः उसी जगह पर पत्थर हो जाएगा। सोचलस कि राजा के भी बचा ले अपने भी बच जाएंगे। अब मजबूर हो गया तो क्या क्या के हो के मन मजबूर यूसुफ तब अब राजा को लगे बता। छिपाने आधा थली मूर्ति आई करनावा हो प्यारा मिता। ए भैया लोग अब यूसुफ को तो हाल भाई कि पीछे खाई आगे कुआं कहाँ जाएं? नहीं बताऊंगा तो मेरी मित्रता पे दाग लग जाएगी, आने वाला इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा। अगर बतावत है तो हिज हम पत्थर हो जाए। सोचते सोचते निर्णय लिया, पत्थर बनना कबूल किया, मित्रता पे दाग नहीं लगने दूंगा। राजा से सारी बात को बताने लगा। मित्र ऐसी बात मैं सुना था, इस वजह से पूरी कहानी पूरा सीरियल को काटते मैं उसी तरह से आ रहा था। जैसे जैसे बतावे लगल शरीरिया पत्थर होख लगल है बाबू लोग, पत्थर हो जाती है शरीर, छाती तक पत्थर हो गई शरीर। देख करके राजा नागपाल सिंह शयन कक्ष में गन 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 कांप रहा है। इस दृश्य को देख करके एक बार देवताओं ने सवाल किया भोलेनाथ से, स्वर्गलोक से बढ़ करके मृतलोक में बसी काशी नगरी को आप ज्यादा महत्व देते हैं? कालन भोलेनाथ की है भाई, तो उनके ज्यादा एतराज बा। तराजू लाइए, तौला जा, जो भारी होगा उसका महत्व होगा। एक तरफ स्वर्गलोक, दूसरी तरफ मृतलोक की काशी नगरी, दोनों को रखा गया तराजू पर, रखकर के तराजू उठाया गया। काशी भारी पड़ल जहां का तहां रह गई, देवलोक ऊपर उठ गया, अपने स्थान पर चला गया। इस दृश्य को देख करके बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा कांप जाती है, धंसने लगी बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा। बाह, जिस सम्मान, जिस उत्साह, जिस प्यार से, जिस भक्ति के भाव से हमने काशी को बसाया था, इस काशी में तो अधर्मियों का राज हो गया। आज विश्व के कोना कोना से लोग जालन जो उन बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा धसल बा, आज भी प्रमाणित है। देखने के लिए लोग जाते हैं काशी में, आज भी विद्यमान है। काशी करवट कहाँ है भाई? गर्दन तक पाथल है यूसुफ पठान, पत्थर हो गया। काशी नरेश कहा, मित्र उद्धार कैसे तेरा होगा? कहलस के ये मित्र जो उन्हें रानी के पाए कि हमार ई दशा भई, वही रानी से या तोरे संपर्क से ठे लड़का पैदा हुई, हमारे पैरवा तर रख के वो लड़कवा के बलि चढ़ा देवा, उसके लहू से स्पर्श होगा, मैं फिर मनुष्य रूप में हो जाऊंगा। राजा नागपाल सिंह काशी नरेश इंतजार करने लगा। राजा रानी के संपर्क से एक लड़का पैदा हुआ, तो राजा किया क्या के पैदा भे संतान भूप को तब जाके बलि चढ़ाए। जिंदा भाई सुप्त अपन मन ही मन मुस्काए, अहिला लिकासी इकर नवा हो प्यारा मिता। वादे के अनुसार राजा काशी नरेश को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। कुछ दिन के बाद उसी सुहाग कक्ष की कोठरी में उसी तरह पत्थर बन करके कई वर्षों की समय बिता दिया यूसुफ पठान। जब राजा को पुत्र पैदा हुआ, ले जा करके नवजात शिशु को राजा लिटा दिया अपने मित्र यूसुफ पठान के कदमों में। तलवार लाया, खींच लेता है म्यान से तलवार राजा नागपाल सिंह। एक तरफ तलवरिया राजा नागपाल सिंह पकड़ लन, दूसरी तरफ से उरानी पकड़ लीन है नवजात शिशु अबोध बचवा के गर्दन पर लगा के। तलवरिया हो भैया लोग, जो उन्हें समय राजा खींचे लगलन, खच 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 मुड़िया कटे लगल हो भैया। लव का फब्बारा निकला, पत्थर रूपी प्रतिमा से यूसुफ पठान के स्पर्श हुआ, मनुष्य रूप में हो गया।
इस दृश्य को देख करके बाबा भोलेनाथ की त्रिशूल पे बसी काशी नगरी कांप जाती है। वही काशी करवट हुई, आज भी काशी करवट है। बिरहा के अंतिम लाइन में कहना है, रमन श्यामा फूल चंद अतिनो जवाब के पास, अमहलू घुरऊ सुदर अभिप्रो कोलिया बचाई, कहानी पंडित जी कुल सुनत हूँ, बहन सुनता हूँ, सियारा सियारिन का वार्ता चलत है। सारे सवाल का जवाब पा गए पंडित जी, अब काशी नरेश के राज दरबार की ओर पहुंचत हूँ। भिनसारवे के जाके गेट खटखटावत हूँ, डांट देता है द्वारपाल, कौन हो? कहला अरे भैया खोलवा दरवाजा, मुंह मांगल पुरस्कार लेवे के है। तीनों का जवाब लेके आये है। द्वारपलवा परेशान बा कि कौन भिनसारवे के पागल आ गए, तीनों तीनों लगौले बा। तीनों सवाल का जवाब वह विप्र सोमदत्त पांडे बताया है। राजा उचित इनाम दिया, काशी के विद्वानों की जान बच गई तो कहना है। तगो रख रहे।